लोकसभा चुनाव में अब 11 महीने बचे हैं, वहीं विपक्षी एकता की बैठक में भी अब 11 दिन ही शेष हैं। 23 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों के नेता मंथन करेंगे कि भाजपा मुक्त भारत कैसे बनाया जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर 17 विपक्षी दलों के नेता साथ बैठने को तैयार हुए हैं। खास बात ये है कि इस बैठक में उन दलों ने भी शामिल होने की हामी भरी है जिनकी कांग्रेस से पटती नहीं है। ऐसे दलों में ममता की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आप और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी शामिल हैं। अब तक नीतीश कुमार की कोशिशों का फायदा यही हुआ है कि सभी साथ बैठने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ममता ने ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। इशारों इशारों में अब सब वही शर्त कांग्रेस के सामने रख रहे हैं। अगर विपक्षी एकता नाकाम होगी तो इसकी सबसे बड़ी और एकमात्र वजह ममता की शर्त ही होगी। ममता की शर्त अगर कांग्रेस ने मानी तो उसके हाथ खाली हो जाएंगे। कम से कम 4 राज्यों में कांग्रेस को दूसरे दलों का सहचर बनकर रहना पड़ेगा। बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली और केरल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी, जहां लोकसभा की 189 सीटें हैं। बंगाल में लोकसभा की 42, उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, दिल्ली में 7 और केरल में 20 सीटें हैं। ममता बनर्जी ने जिस त्याग की अपेक्षा कांग्रेस से की है, उसका मतलब यही है कि कांग्रेस उन राज्यों में वहां के शक्तिशाली दलों की मर्जी और कृपा से कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़े। ममता ने कांग्रेस विधानसभा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने पर स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन चाहती है तो उसे कुछ राज्यों में कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल, केरल, यूपी, दिल्ली और बिहार के नाम भी गिनाए थे। बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का लगभग सफाया हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वाम दलों का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। उपचुनाव में कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता भी तो ममता ने उसे अपनी पार्टी में मिला लिया। वैसे बात तो विपक्षी एकता की हो रही है, पर कई दल इसमें शामिल नहीं है। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस नेता केसी राव ने शुरू से विपक्षी एकता की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वे अलग थलग पड़ गए। अब उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम से दूरी बना ली है। और तो और, बिहार में महागठबंधन का घटक दल हम को न्योता तक नहीं भेजा गया है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के संपर्क में है। नीतीश कुमार के मनाने पर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, लेकिन पहले ही उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। पीएम का फेस भी अभी विपक्ष ने तय नहीं किया है। बीजेपी को हराने के लिए बेचैनी सभी दलों को है, लेकिन सभी अपने अपने सूबे में अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने शासन वाले 4 राज्यों को छोड़ बाकी जगहों पर दूसरे दलों की चेरी बनकर रहना पड़ेगा, जो शायद कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।